कुछ लोग कहते हैं कि 1000 रुपये क्यों दोगे। मैं ऐसी बहुत सारे बेटियों को जानता हूँ, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, जिसका कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता है, पढ़ने में तेज है, लेकिन पिताजी के पास आने जाने का, बस का किराया देने का खर्चा नहीं है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। ऐसी कई बेटियां हैं जिसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है पिताजी के पास, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। उनको 1000-1000 रुपये देंगे। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी जब उनको 1000-1000 रुपये मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, शादीशुदा बहनें हैं, घर चला रही हैं। इतना महंगाई का जमाना है, घर का खर्चा नहीं चलता, पति की तनख्वाह उतनी है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उनके हाथ में 1000 रुपये जाएगा तो वह हो सकता है अपने बच्चे को थोड़ा सा और फ्रूट्स खिला देगी, थोड़ा दूध पिला देगी, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए कुछ और खर्चा कर देगी। हमारी जितनी माएँ हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेटी घर में आती है, माँ का मन करता है कि उसके हाथ में कुछ रख दूँ, करता है कि नहीं करता है, लेकिन माँ को फिर बेटे की तरफ देखना पड़ता है। बेटा देता है तो बेचारी कुछ करती है, बेटा नहीं देता तो अपना मन मसोस के बैठ जाती है। अगर माँ के हाथ में 1000 रुपये होंगे तो उसको बेटे की तरफ, पति की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो अपना अंदर जाएगी, संदूक खोलेगी, पैसे निकालेगी और बेटी के हाथ में रख देगी, उसको बड़ा सुकून मिलेगा।